Okay, so we will start with a revision, very quick revision of first chapter. So the first chapter, if you remember, it is units and measurements. So normally in physics में हमको बहुत सारे measurements करने होते हैं. And you must know, physics is a quantitative science. Quantitative science मतलब जहाँ पे आप quantity measure करते हो. जैसे आप टाइम मेजर करोगे, लेंथ मेजर करोगे, मास मेजर करोगे, फोर्स मेजर करोगे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दैट इज व्हाई पहला ही चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. तो हमें बहुत सारे क्वांटिटीज मेजर करने हैं. जब हम मेजरमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि हम कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है, विच सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो अगर आपको याद होगा, इन टोटल 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे. System of units. There were 4 system of units. उसमें से सबसे पहला था, अगर याद होगा, CGS. CGS system में distance हम measure करते हैं centimeter में, mass हम measure करते हैं gram में, और time हम measure करते हैं second, right? Normally ये जो system है, it is a small system. Small मतलब छोटे measurements. जैसे दो point का distance measure करना है, तो you will be measuring in सेंटीमीटर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो एंड बाय समथिंग, कोई किराना दुकान पे गए कुछ लेने, तो ग्राम या किलोग्राम में आप मेजर करोगे. पर ग्राम कब, व्हेन यू गो एंड बाय वेरी एक्सपेंसिव थिंग, जैसे आई टोल्ड यू वंस, सुना होगा सैफरन, केसर, यू विल गो एंड आस्क 10 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, सो ऑन सो फोर्थ, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड. तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये स्मॉल सिस्टम ऑफ यूनिट है, दिस अ स्मॉल सिस्टम ऑफ यूनिट. तो जहां पे ये सिस्टम ऑफ यूनिट फेल होता है, फेल मतलब फॉर एग्जांपल, अगर दो सिटी का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो यू कैन नॉट मेजर इन सेंटीमीटर, राइट? तो इसके बाद इससे जो बड़ा सिस्टम था वो था MKS. तो यहाँ पे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर में, मास हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम हम मेजर करते हैं सेकेंड में. तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. तो जब भी जेई नीट के क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मूला फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला है आपको, और काइनेटिक एनर्जी मास आपको दिया है 100 ग्राम, और स्पीड दिया है आपको 5 मीटर पर सेकेंड. तो मास किसमें दिया है, ग्राम में, और स्पीड किसमें है, मीटर पर सेकेंड, मतलब SI यूनिट में. तो ऐसा नहीं चलेगा, दोनों के दोनों पैरामीटर जैसे मास और वेलोसिटी दोनों के दोनों सेम सिस्टम में होने चाहिए, दोनों CGS में या फिर दोनों MKS में, राइट? और एक चीज याद रखना, ऑप्शंस जो आपके पास होंगे, ये ऑप्शन भी एक बार देख लेना, ऑप्शन में कौन सा सिस्टम दिया है, ऑप्शन में जो आंसर है वो जूल में है या फिर वो अर्थ में है या फिर कौन से सिस्टम में है, तो ये याद रखना. तो दैट इज वाई अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स पता होना चाहिए. CGS, MKS, तीसरा कौन सा है, FPS. इस पे आपको क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये FPS सिस्टम जो है, इट इज ओनली इन फ्यू कंट्रीज, स्पेसिफिकली ये ब्रिटिश सिस्टम है. तो जहां जहां पे ब्रिटेन का कॉलोनी था, वहां वहां पे यूज होता है. लेंथ इज मेजर्ड इन फीट, फीट या फुट, फुट इज सिंगुलर, फीट इज प्लूरल, and this is pound and second. और अगर आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको पहले क्लासेस में, इंडिया में हम अभी भी जब प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, लैंड खरीदते हैं, तो हम स्क्वायर फीट की बात करते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है, हमारा कंट्री, ये एक टाइम पे कॉलोनी था, तो तब से अब तक हम लोग यही यूज कर रहे हैं, फीट, स्क्वायर फीट, राइट? तो ये FPS सिस्टम ये ज्यादा जगह पे चलता नहीं है, अभी तो बिल्कुल नहीं चलता है, तो इट इज ऑलमोस्ट डेड. देन अब प्रॉब्लम क्या था, हमारे पास तीन तीन सिस्टम है, तो तीनों में से कौन सा यूज होगा, ये डिपेंड करता है कौन से लोकेशन में हो. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, अभी भी कुछ कंट्री में दे मेजर इन माइल्स, हमारे यहाँ पे किलोमीटर, वहां पे माइल्स. तो डिपेंड करेगा कि आप कौन से कंट्री में हो, डिपेंड करेगा कि आप फॉर एग्जाम्पल इस बोर्ड पे दो पॉइंट का डिस्टेंस अगर मेजर करें, सेंटीमीटर स्केल इज सफिशियंट,
तो डिपेंड करेगा किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, राइट। देन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तीन सिस्टम है, तीनों अलग अलग है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, लेकिन ओवरऑल व्हेन द वर्ल्ड स्टार्टेड कनेक्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्टिंग, मतलब जब ट्रेड चालू हुआ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जब बिजनेस चालू हुआ, तब एक कॉमन सिस्टम की जरूरत थी। तो वो जो कॉमन सिस्टम है उसको आप बोलते हो SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम। तो यहाँ पे भी इन दिस केस मास इज मेजर्ड इन मास, मास मैंने मास पूछा, डिस्टेंस नहीं, किलोग्राम, लेंथ इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब क्वेश्चन ये था कि ये चार सिस्टम में से अभी हमको पता है कि हम SI सिस्टम नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन अगर आप MKS और SI सिस्टम देखोगे तो दोनों में लेंथ, मास और टाइम, यहाँ पे भी मीटर, वहां पे भी मीटर, यहाँ पे किलोग्राम, वहां पे भी किलोग्राम, यहाँ पे टाइम सेकेंड में, वहां पे भी टाइम सेकेंड में, राइट। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं लेकिन सेम नहीं है, दे आर नॉट टू सेम सिस्टम। डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर वेट, कैन एनीवन टेल मी आपका वेट कितना है, व्हाट इज योर वेट, 50 किलोग्राम, 42 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम जब आप बोलते हो तो बेसिकली आप MKS सिस्टम यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है वेट मतलब फोर्स, और फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यू, ये होता है एम इनटू जी। तो जब आप बोलते हो माय वेट इज 42 किलोग्राम लेट अस से, मतलब आपने जी से मल्टीप्लाई किया ही नहीं, आपने क्या बता दिया, आपका मास। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में 42 किलोग्राम बोल के छोड़ देते हैं, बट इन रियल लैंग्वेज, प्रैक्टिकल लैंग्वेज, साइंस का लैंग्वेज, इसको बोलते हैं 42 किलोग्राम वेट, 42 kgWT। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट है ऑफ वेट मेजरमेंट। किसी और का वेट होगा 70 kgWT, राइट। तो दैट इज द डिफरेंस। जब हम स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन करते हैं तो तब ये किलोग्राम वेट, ग्राम वेट कहीं पढ़ा ही नहीं होगा आपने, मेंशन नहीं होता कहीं पर भी, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो CET हो, चाहे वो JEE हो, चाहे वो नीट हो, अब आपको ऐसा बोलेंगे अ बॉडी हैज अ वेट ऑफ 70 kgWT। तो आपको ये समझना है 70 उसका मास था, जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की, इसलिए क्या बोल रहे हैं वो kgWT, मतलब 70 किलोग्राम वेट। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन में, न्यूटन मतलब कौन सा सिस्टम, SI सिस्टम में जी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, 9.8, मैं रफली 10 ले लूंगा, तो कितना आ गया 700। तो जिसको आप MKS में 70 किलोग्राम वेट बोलते हो वही होता है SI में 700 न्यूटन, राइट, गुड। तो ये पहला डिफरेंस है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंस आगे आएंगे, मैं बताऊंगा, हम रिवीजन में भी जहां जरूरी है वहां स्लो डाउन करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस ये समझ लो, लेंथ मास टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, लेंथ मीटर में, यहाँ पे भी लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, यहाँ पे भी मास किलोग्राम में, टाइम सेकेंड में, यहाँ पे भी टाइम सेकेंड में, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस दो जगह पे आता है, एक है ये जो मैंने बताया प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो MKS नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, प्रैक्टिकल लाइफ, कुछ लेने गए, कपड़ा लेने गए, क्या बोलते हो 2 मीटर क्लोथ, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, राइट, सब्जी लेने गए, 2 किलो सब्जी दे दो, 2 किलो मतलब क्या, 2 kgWT। तो ये पहला डिफरेंस। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स कहाँ होते हैं, MKS में, SI में ये लैबोरेटरी यूनिट्स है, फिजिक्स के लैब में यूज करोगे उसको, इसको कहाँ यूज करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको कहाँ यूज करोगे, फिजिक्स के लैब में, ये बेसिक डिफरेंस। तो कौन से चार सिस्टम ऑफ यूनिट्स,
गुड। अब दूसरा डिफरेंस ये है कि जब हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं, और बिकॉज यू हैव टेकन एडमिशन इनटू साइंस स्ट्रीम, तो आपको हर जगह पे एसआई सिस्टम ही यूज करना है, राइट? तो अब दूसरा डिफरेंस ये, एमकेएस में तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, बट एसआई सिस्टम में सात फंडामेंटल क्वांटिटीज है, देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो एसआई सिस्टम में यू हैव सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, कौन से सेवन थे याद है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। देन आपको इस सब का ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, उसका सिंबल भी पता होना चाहिए। तो लेंथ का यूनिट है मीटर और उसका सिंबल है एम। तो ये था फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी का यूनिट और सिंबल मीटर, सिंबल इज एम, मास इज किलोग्राम केजी, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड एंड यूनिट सिंबल इज एस, टेम्परेचर इन विंग एंड के, या फिर कहीं कहीं पे थीटा भी यूज करते हैं। किसी किसी चैप्टर में जहां पे के ऑलरेडी किसी और चीज के लिए यूज किया, वहां पे क्या यूज करोगे? थीटा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, ये कहाँ यूज होता है? जब आपको दो लाइट के सोर्सेस कंपेयर करने हो, फॉर एग्जाम्पल जब आप नाइट स्काई में देखते हो तो आपको दो स्टार दिखे, एक ब्राइट है एक थोड़ा फेंट है, राइट? तो जहां पे दो अलग अलग लाइट के सोर्सेस का कंपैरिजन हो, ब्राइटनेस का कंपैरिजन, किसका कंपैरिजन? ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब कितना ब्राइट हमको दिखता है, हाउ ब्राइट इट लुक्स टू अस फ्रॉम अर्थ, राइट? तो वो कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मेजर करते हैं कैंडेला में और डिनोट करते हैं सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैंने आपको बताया था, मोल, लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए, सिंबल में एक तो आप सिर्फ MOL लिखोगे और पूरा नाम इसका क्या है? मोल, MOLE। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड मास, ये दोनों सिमिलर टाइप के क्वांटिटी है। मास ज्यादा मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी ज्यादा है, मास का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कम है। सिर्फ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ यूज होगा? मैंने आपको बताया था जहां पे बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो, फॉर एग्जाम्पल हम गैसेस की जब बात करते हैं, अब सॉलिड हो या लिक्विड हो, सॉलिड या लिक्विड को आप एक कंटेनर में भर के उसका वेट मेजर कर सकते हो, मतलब उसका मास मेजरमेंट कर सकते हो। उसके लिए फिर आप डिजिटल मीटर यूज करो, या फिर वो कौन सा बैलेंस, वेइंग बैलेंस, सब्जी लेने जाते हो तो क्या करते हो? वेट बैलेंस यूज करते हो, या फिर डिजिटल मीटर यूज करते हैं। पर पॉइंट ये है, बहुत जगह पर डिजिटल मीटर भी होता है, किराना शॉप में होता है, अपने घर में होता है, जिनको अपने हेल्थ की बहुत ज़्यादा चिंता है वो लेके रखते हैं, हर दिन मेजर करते हैं कितना वेट कितना मास। तो रिमेम्बर, जहाँ पे हम मास मेजर नहीं कर सकते, कहाँ नहीं कर सकते? गैसेस का मास कैसे मेजर करोगे? इफ आई आस्क यू, इस क्लासरूम में कितना एयर है मुझे बताओ किलोग्राम में, कैसे बताओगे? यू कैनॉट टेल, क्योंकि गैस का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम दोनों ही नहीं होता। और दूसरा, जहाँ पे बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो, वेरी स्मॉल, फॉर एग्जाम्पल आप जाके बोल सकते हो मुझे एक किलोग्राम सॉल्ट दे दो, नमक 500 ग्राम भी मांग सकते हो, 50 ग्राम भी मांग सकते हो,
इवन 5 ग्राम भी मांग सकते हो, आप जाके बोलोगे मुझे टोटल 15 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट चाहिए, राइट। तो जहां पे साइज बहुत छोटा हो जाता है वहां पे मास मेजर नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। आप स्मॉल, वेरी स्मॉल क्वांटिटी का मास मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट आप बनाते हो ना, उस इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है, उससे कम वो मेजर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपके रिस्ट वॉच का लीस्ट काउंट कितना? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से कम वो मेजर नहीं करेगा, लेकिन डिजिटल क्लॉक लोगे तो वो 1 सेकेंड से कम भी मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर से कम मेजर नहीं होता, राइट। वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर। दूसरा डिफरेंस, ये जो स्क्रू गेज है या फिर वर्नियर कैलिपर है, ये आपके स्टेट बोर्ड सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जेई नीट में है। तो हम डिटेल में देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर यूज कैसे करना है, उस पर कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अलॉन्ग विथ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, राइट। अब मुझे अगर 0.00000001 मतलब 10^-10 तक मेजर करना है डिस्टेंस, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अभी तक जो टेक्नोलॉजी है वो 10^-8 तक मेजर कर सकते हो डायरेक्टली, डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट नहीं कर सकते। तो जहां पे हम डायरेक्ट मास नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि बहुत स्मॉल मास है। व्हाट इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? 9.1 × 10^-31, राइट। तो इन जनरल अगर मैं बोलता हूं मास ऑफ एन एटम, एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। तो एक एटम का मास 10^-25 किलोग्राम तक आएगा, राइट। तो मैं एटम का मास मेजर नहीं कर सकता। तो जहां पे मास मेजरमेंट फेल होता है वहां पे क्या मेजर करते हो? अमाउंट। आप ऐसा तो बोल सकते हो ना, ये मेरे पास सैंपल है, इस सैंपल में 100 एटम्स है, यस यू कैन से इस सैंपल में 1000 एटम्स है, यस। तो जहां पे हम मास नहीं मेजर कर सकते, हम क्या मेजर करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसका यूनिट क्या है? मोल, सिंबल है MOL। ये 1 मोल मतलब एग्जैक्टली कितना, हम वापस से ये रिपीट करेंगे जहां पे भी लगेगा। तो एग्जैक्टली 1 मोल कितना हम देखेंगे बाद में। एंड देन यू हैव इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था थोड़ा टाइम पहले, यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट हैज बिकम इन आवर डे टू डे लाइफ। क्योंकि देखो MKS में इलेक्ट्रिक करंट नहीं था फंडामेंटल, क्यों? क्योंकि पुराना सिस्टम है। जब ये सिस्टम डेवलप हुआ तब इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, हमको पता ही नहीं था करंट के बारे में। लेकिन नाउ यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मानते हैं फंडामेंटल, और इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में, राइट। तो इसको मेजर करते हैं एम्पियर, डिनोट करते हैं ए। लेटर ए इज स्मॉल बट व्हेन यू आर राइटिंग इट एज अ यूनिट, आई एम नॉट राइटिंग इट एज अ यूनिट, ठीक है, ओके। क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा, मैंने नेम लिखना चाहिए था, यूनिट लिखा तो मैं यहाँ पे स्मॉल ए कर देता, गुड, बिकॉज अल्टीमेटली आई शुड हैव रिटन हियर नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिट, ठीक है, यूनिट लिखा है तो एम्पियर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल ए। तो डू यू रिमेम्बर व्हाट ही इज सेइंग? आपको रूल याद है? रूल, ऐसा यूनिट को लिखते कैसे हो? चलो अभी ये कर ही रहे तो उस पर भी आ जाते हैं। ऐसा यूनिट लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, रूल नंबर 1, नॉर्मली आपको सिंबल यूज करना है, जैसे मीटर के लिए एम, एम्पियर के लिए ए, जूल के लिए जे, न्यूटन के लिए एन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नॉर्मली इट इज एडवाइज कि फुल फॉर्म यूज मत करो, यूज ओनली सिंबल। रूल नंबर 2, अगर कर भी लिया, पूरा नाम यूज कर लिया, तो हमेशा जो पहला लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए, और ये METRE या METER एक ही चीज है, इट्स नॉट लाइक एक मीटरे एक मीटर, एक ही है, मीटर ओनली, राइट। दूसरा रूल ये था कि अगर आप फुल फॉर्म यूज कर रहे हो तो इवन इफ किसी एक यूनिट का नाम, जैसे एम्पियर एक साइंटिस्ट के नाम से आया, पर्सन के नाम से आया, तो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज से रूल क्या है? पर्सन का नाम हो तो पहला लेटर क्या लिखते हो? कैपिटल, यहां पर नहीं लिखना। यहाँ पे जब पूरा नाम लिख रहे हो तो
जैसे एम्पियर का ए स्मॉल, न्यूटन का एन स्मॉल, जूल का जे स्मॉल, ये रूल्स है, जनरल रूल्स है। लेकिन जब सिंबल लिखोगे, जब सिंबल लिखोगे तो एम्पियर ये एक पर्सन के नाम से आया तो क्या लिखेंगे, कैपिटल। जूल एक पर्सन के नाम से आया तो क्या लिखेंगे, कैपिटल। सिंबल लिखते वक्त कैपिटल लिखना है, लेकिन पूरा नाम लिखते वक्त कैपिटल नहीं लिखना है। दिस इज अ रूल। ऐसे बहुत सारे रूल थे, जैसे हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, मैं नहीं लिख सकता, मीटर के बाद मैं डॉट नहीं लगा सकता, वो ठीक है, दैट इज नॉट रियली रेलेवेंट फॉर JEE एनडी, तो हम उसको फिलहाल साइड में रखेंगे। गुड, तो टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज और कितने सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा, टू। तो ये दूसरा डिफरेंस है, आई टोल्ड यू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो एमकेएस, एमकेएस एंड किसको कंपेयर कर रहे हो, एसआई। तो पहला डिफरेंस क्या था, प्रैक्टिकल यूनिट्स जैसे किलोग्राम वेट। दूसरा डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, वहां पे तीन यहाँ पे सात। तीसरा डिफरेंस है, यहाँ पे सात के साथ दो और है, राइट, दो एक्स्ट्रा है। कौन से दो एक्स्ट्रा है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो पहले प्लेन एंगल मतलब क्या, एकदम सिंपल, अभी तक जो एंगल आपने सीखा है स्कूल लेवल तक, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसको क्या बोलते हो आप, प्लेन एंगल। हमारे पास दो लाइंस है, दो लाइंस के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको बोलेंगे प्लेन एंगल, या फिर इसको और एक नाम है टू डायमेंशनल एंगल, इसको टू डी एंगल भी बोलते हो। तो गोइंग बैक टू बेसिक स्कूल लेवल मैथ्स, क्योंकि ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ्स है। अगर आपके पास एक आर्क है, आर्क ऑफ अ सर्कल, ये आर्क है एस, लेट अस से ए टू बी, ये है रेडियस आर। तो आपको पता होगा आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। तो ये जो आर्क है, पीछे ध्यान नहीं है तो ध्यान इधर होना चाहिए, ये जो आर्क है इसको हम अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली, राइट। देन बाय डेफिनेशन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। ये जो एंगल यहां बना थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, एस एस अपॉन आर। तो प्लेन एंगल और 2D एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, लेंथ ऑफ आर्क टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ विच आर्क इज अ पार्ट। ये आर्क जिस सर्कल का पार्ट था उसका रेडियस लेना है, राइट। तो एस अपॉन आर, अब एस क्या था, मीटर में, आर क्या था, मीटर में, क्योंकि एस क्या है, डिस्टेंस, आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस गया, राइट, मीटर अपॉन मीटर गया, मतलब एंगल इट इज अ प्योर नंबर, ये सिर्फ एक नंबर है। दैट इज वाई जब आप लिखते हो एंगल, लिखते हो 0, 30, 60, 90, 45 भी आता है, ऐसे कुछ भी ले सकते हो, 20 डिग्री भी ले सकते हो, 0, 30, 45, 60, 90 ऐसा आप टेबल में लिखते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, राइट। तो अब और एक चीज, फिजिक्स के लिए मैथ्स लगेगा, इवन दो इफ यू आर डूइंग नीट, आपको मैथ्स पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री, और क्या पता होना चाहिए, डेरिवेटिव्स, और क्या पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव तो सेकेंड चैप्टर, फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, उसमें कवर हो जाएगा, बट ट्रिग्नोमेट्री यू शुड नो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में वॉट इज साइन ऑफ जीरो, वॉट इज साइन जीरो, जीरो नॉट वन, जीरो। वॉट इज साइन 30, नो साइन जीरो इज जीरो, 1/2 मतलब फ्रैक्शन में कितना, 0.5। वॉट इज साइन ऑफ 45, 1/√2 मतलब फ्रैक्शन में कितना। ये सारे नंबर कैलकुलेशन में लगने वाले हैं। व्हाट इज 1/√2, 0.7071,
पता होना चाहिए। अगर लॉग बुक यूज नहीं करना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है, तो यू शुड नो 1/√2 इज 0.7071। व्हाट इज साइन ऑफ 60? √3/2। व्हाट इज √3/2 इन फ्रैक्शन? व्हाट इज √3? 1.732 अपॉन 2, 0.8606। तो व्हाट इज √3/2? 0.8606। व्हाट इज साइन 90? 1 1। तो व्हाट इज कॉस 0? उल्टा करना 1। व्हाट इज कॉस ऑफ 30? 0.8606। √3/2 है, पता है, लेकिन आप आगे देखोगे कि कैलकुलेशन में हमको फ्रैक्शंस यूज करने होते हैं बहुत जगह पे। मैट मेनी प्लेसेस यू विल नीड दिस। व्हाट इज कॉस 45? 0.7071। व्हाट इज कॉस ऑफ 60? 0.5। व्हाट इज कॉस ऑफ 90? 0। यहां तक पता है। अगर मैंने पूछा व्हाट इज साइन ऑफ 120? व्हाट इज साइन ऑफ 135 डिग्री? व्हाट इज साइन ऑफ 150 डिग्री? व्हाट इज साइन ऑफ 180 डिग्री? तो ये सारे भी लगेंगे, वो मैं एज एंड व्हेन जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। बट बाय द वे इम्पॉर्टेंट इज दिस, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे के सारे कौन से एंगल है? प्लेन एंगल है। तो दैट इज व्हाई आई हैव टू गिव यू रेफरेंस कि अभी तक आपने कभी भी मेंशन नहीं किया था। अब दो चीज चेंज होती है 10 से 11 में। पहला, अब सिर्फ एंगल बोल के नहीं चलता, अब प्लेन एंगल है या सॉलिड एंगल है। दूसरा, मैथ चालू हुआ होगा आपका, उसमें डायरेक्टेड एंगल और यू नो डायरेक्टेड एंगल, व्हाट इज डायरेक्टेड एंगल? नहीं, ठीक, लुक, रिमेंबर, यहां पर ध्यान होना चाहिए। अप टू 10 आप एक लाइन है, इसने x एक्सिस का कितना एंगल बनाया, ये कितना एंगल है, ये कितना एंगल है? 70, राइट? अब आगे से याद रखना, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल्स आर टेकन टू बी पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में दे आर टेकन टू बी नेगेटिव। तो डायरेक्टेड एंगल मतलब एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड इन क्लॉकवाइज विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो अभी आपने एंगल के साथ डायरेक्शन भी जोड़ दिया, इंपॉर्टेंट। आगे धीरे धीरे मैं बेस बनाते जाऊंगा, फिलहाल जितना है जरूरी उतना ही बताऊंगा। इट्स लाइक एपिसोड ऑफ अ सीरियल, हमने पिछले महीने ये देखा था, अब आगे ये देखेंगे। तो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, स्लोली स्लोली। देन गोइंग बैक हियर, यू शुड अंडरस्टैंड वन वेरी बेसिक थिंग, दो लाइंस के बीच का एंगल मतलब कौन सा एंगल? प्लेन एंगल। और प्लेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों लाइन सेम प्लेन में है, दोनों के दोनों सेम एक्स वाई प्लेन में या एक्सेट प्लेन में, राइट? फिर दूसरे टाइप का एंगल हमने देखा था जिसको आप बोलते हो सॉलिड एंगल। तो दूसरा है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल का बेस्ट एग्जाम्पल इज कोन। हम आइसक्रीम के कोन जब लेके आते हैं, आइसक्रीम खा के होने के बाद, यू सी, यू विल सी समथिंग लाइक दिस। इसका जो बेस है वो बेस क्या है? सर्क्यूलर। तो इसका बेस क्या है? सर्क्यूलर। यू हैव अ सर्क्यूलर बेस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? जस्ट अ मिनट, ओके, मोर और लेस फाइन, सो गुड। अब जैसे प्लेन एंगल में एक लाइन ने एंगल बनाया था, सॉलिड एंगल में एक एरिया ने एंगल बनाया। एक लाइन मतलब L raised to 1 मीटर और एरिया मतलब L raised to 2 मीटर स्क्वायर, रिमेंबर। तो ये जो एंगल बना, किसने बनाया? एरिया ने। उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल, या फिर और एक नाम है इसका, 3D एंगल, थ्री डायमेंशनल एंगल। तो जब एक स्ट्रेट लाइन एंगल बनाता है तो प्लेन एंगल, जब एक एरिया एंगल बनाता है तो सॉलिड एंगल। बहुत सारे एग्जाम्पल रियल लाइफ में, रियल लाइफ में हम सारे के सारे एग्जाम्पल देखते हैं सॉलिड एंगल के। फॉर एग्जाम्पल, आप जब मून को देखते हो तो मून
क्या है, स्पीयर हमको क्या दिखता है, अर्थ से हमने मून को देखा तो स्पीयर दिखता है क्या, क्या दिखता है, सर्कल नहीं दिखता है, डिस्क दिखता है, डिस्क। तो डिस्क क्या है, एरिया। तो मून ने जो एंगल बनाया, मतलब एरिया ने जो आपके आंखों पे एंगल बनाया, वो कौन सा एंगल होगा, प्लेन की सॉलिड, यू आर लुकिंग एट दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है एरिया, ये एरिया है, ये एरिया ने आपके आंखों पे जो एंगल बनाया वो कौन सा होगा, सॉलिड एंगल, वेरी गुड। देन अनदर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, आई हैव अ स्टिक, स्टिक इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब वन डायमेंशन, ये लाइन है, लाइन ने अगर आपके आंखों पे एंगल बनाया तो कौन सा होगा, प्लेन एंगल। तो अब आपको डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए, जब एक सरफेस एंगल बनाता है तो कौन सा एंगल, सॉलिड, जब एक लाइन एंगल बनाता है तो प्लेन एंगल। तो अभी टेंथ तक आप डिग्री में मेजर करते थे, अब डिग्री में नहीं करोगे, तो जो प्लेन एंगल होगा इट विल बी मेजर्ड इन रेडियंस, आर ए डी, रेडियन, एक्चुअली रेडियन लिखते हैं इसको, राइट, और डिनोट करने के लिए थीटा के ऊपर सी लिख देते हैं। डिग्री के लिए क्या करते हो, डिग्री के लिए ऊपर क्या लिखते हो, ओ, और इसके लिए क्या लिखते हैं, सी, राइट। तो एस आई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, कौन सा एंगल, प्लेन एंगल। अब ये जो एंगल बना, कौन सा एंगल है, ये 3D एंगल, इसको हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, और डिफाइन कैसे करते हो, सिंपल, यहाँ पे थीटा कैसे डिफाइन किया था, आर्क लेंथ अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि इस आर्क ने एंगल बनाया, यहाँ पे किसने एंगल बनाया, एरिया ने, तो एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर। अभी किसी बुक में इसको ए बोला है, किसी बुक में इसको डी एस बोला है, फिजिक्स या मैथ्स में डी मतलब स्मॉल और एस मतलब सरफेस, तो ये सरफेस है लेकिन स्मॉल है, तो कोई कोई बुक में ऐसा लिखेंगे डी एस अपॉन आर स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना, सेम राइट, एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसको आप मेजर करोगे स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन, राइट, क्लियर आता, गुड। तो दो सप्लीमेंट्री और सात फंडामेंटल। अब इससे आगे यू शुड नो, वी विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आई विल कीप इन माइंड, यू हैव नेक्स्ट क्लास, सो डोंट वरी, राइट, बट जो इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, आपको पता है पाई रेडियन, पाई रेडियन मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो मुझे अगर फाइंड करना है कि एक डिग्री मतलब कितना रेडियन, तो वन डिग्री सी लुक, आप थोड़ा सा ध्यान दो इस पे, कुछ नहीं है, एक डिग्री मतलब कितना रेडियन फाइंड करना है, तो ये 180 उठाओ यहां पे डिवाइड कर दो, तो 1 degree इज हाउ मच पाई बाय 180, करेक्ट, सही है, इट्स नॉट रॉन्ग, इट इज करेक्ट। अगर आपको पूछा हो 1 radian मतलब कितना, तो 1 radian पूछा हो इन डिग्रीज, तो ये पाई को यहां से उठाओ और डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 1 radian इज 180 बाय पाई, राइट, व्हाट इज पाई वैल्यू, 3. तो 1 radian मतलब 180 अपॉन पाई, पाई कितना है, राइट, तो ये 157.2 नहीं, इतना ही आता है, रफली 57.3, विद टाइम आपको याद रहने लगेगा अपने आप। तो एक रेडियन मतलब कितना डिग्री, 57.29, आई विल से 57.3 रफली। तो 2 radian मतलब कितना, 57 का डबल कितना, 154, 0.3 का कितना डबल, 0.6, 154.6, करेक्ट, यहां तक गुड। तो अब इसके आगे के कन्वर्जन हम नेक्स्ट सेशन के लिए रखेंगे।